का है, महागठबंधन का, उसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को छोड़ करके किसी का नाम आ सकता है। सोच भी नहीं सकते कि ये जो गणना हुई है ये कागजी गणना हुई है, खाना पूर्ति हुई है, किसी को आगे बढ़ाने का और किसी को पीछे करने का। देख रहे हैं न्यूज़ पोर्ट नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। और वहीं बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसको लेकर भी सियासत है वो काफ़ी तेज हो गई है। अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े वोटों को भी लुभाने में कोशिश में लगी हुई है। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी से, तो उन्होंने साफ तौर पर लालू परिवार पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर महागठबंधन में कोई भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा या अगर यादव में कोई मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ही बनेंगे। पहले क्या कुछ करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, पहले सुनें उनकी बातों को। चित्र में ये भ्रांति, जैसा पहले मैंने कहा कि लोग कहते रहे हैं कि भाजपा स्वर्णों की पार्टी है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चुनाव से स्पष्ट हो गया है और नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम फॉरवर्ड के ही नहीं, हम सभी समाज के लोगों को ले करके चलते हैं और उसी का उदाहरण मध्य प्रदेश है, उसका असर बिहार है, उत्तर प्रदेश है और हिंदुस्तान की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ेगी, ऐसा मैं। अभी जो वर्तमान सेटअप है गठबंधन का, महागठबंधन का, उसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी को छोड़ करके किसी का नाम आ सकता है। सोच भी नहीं सकते हैं, ये वहीं सोच सकते हैं जो NDA गठबंधन के लोग हैं, वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो फिक्स है कि वही होंगे। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हम अमित शाह जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने आकर के यहाँ बात कही और हम जिस दिन से ये जाति आधारित गणना हुई है और हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, असेंबली में भी इस बात की हमने चर्चा की है कि ये जो गणना हुई है ये कागजी गणना हुई है, खाना पूर्ति हुई है, किसी को आगे बढ़ाने का और किसी को पीछे करने का। इसीलिए उस समय भी हमने कहा था कि शेड्यूल कास्ट की आबादी बिहार में 25-30% है, दिखलाया गया है 20%, और अति पिछड़ा में बनिया हैं, तेली हैं और लोग हैं, उन लोगों का भी आबादी जो होना चाहिए था चंद्रवंशी लोग हैं उन लोगों की आबादी ज़्यादा है लेकिन दिखलाया गया कम, सहनी समाज की आबादी दिखलाया गया कम, लेकिन कुछ लोगों की आबादी तो हमने उदाहरण दिया कि 1931 में उनकी आबादी 8% थी और आज 2023 में 14% हो गई। दूसरी तरफ भुया मुसर की आबादी 1931 में 3% थी, आज भी उनकी आबादी 3.7% है। तो आखिर ये क्या है, ये इन लोगों को, दलित लोगों को जो कहते हैं कि हम बड़ा दलित के प्रति हिमायती हैं, तो दलित का तो उन्हें भ्रूण हत्या कर रहे हैं और जिसके चलते बतला रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतने हिस्सेदारी, तो पहले ही तो हमको काट दिया एक चीज़। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर प्रासंगिक बात है जो आपने पूछा उस जवाब से अलग है कि बिहार विधानसभा में यही हमने कहा था कि मान्यवर 16% हमारा रिजर्वेशन है, अभी हमको कितना मिला, कितना कोटा है, बैकलॉग कितना है, और उन्होंने नहीं बताया। हमने कहा कि रोस्टर 1971 से लागू है और 16% हमको आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे पास डाटा है कि 3.7% आरक्षण है, तो ऐसा रहेगा तो एक शताब्दी में हमारा आरक्षण पूरा होगा, तो आरक्षण बढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, पहले ये तो कीजिए। इसी पर तो तुम तलाम की बातें हुई है, तो आज इस राज्य में कोई सच्ची बात नहीं बोल सकता है डर के। इसीलिए जीतन मांझी को मुख्यमंत्री से हटाया गया, 2 विभाग था छीन लिया गया, अनुरोध गतवा कहा कि हम तुमको नहीं रखेंगे। जीतन राम मांझी किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है,
कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी है जो अब स्वर्ण वोटों को तो साधती थी, लेकिन अब जिस तरह से अति पिछड़ों के वोटों को भी साधने की कोशिश लगी हुई है, उसको लेकर भी जीतनराम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी है तो गारंटी है। इस तमाम खबर न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।